अगर बाहुबली को मिले थे 6,000 और अगर साहू को मिले थे 10,000, मैं 15,000 थिएटर लेके आऊंगा। भाड़ में है तेरी डील, तेरा प्लान, तेरी शादी और तेरा टी शर्ट भी। सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बाहुबली की जो ताकत होती है उस हिसाब से थिएटर मिलते हैं, पिक्चर के हिसाब से थिएटर मिलते हैं। आई विल डू माई बेस्ट कि मैं इस पिक्चर के लिए इतना बेहतरीन कर सकूंगा, क्योंकि विजय मूलचंदा इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैं अच्छे से अच्छा करूंगा कि ये पिक्चर मैंने खुद भी आपके साथ देखी है, बराबर आप भी थे वहां पे, तो मुझे पता है कि पिक्चर में दम है, तो मैं लेवल बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम थिएटर करके दिखाऊं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। ब्रो कोड हम दोनों के बीच में काफी स्ट्रांग है क्योंकि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो एक ब्रो कोड बहुत स्ट्रांग चीज होती है, लेकिन वो कभी कभी ना वो फिसल जाती है। उसमें ऐसा होता है ना कि मतलब ये मेरी वाली है तो तेरी भाभी है फॉरएवर। आजकल के जमाने में रिलेशनशिप्स आर नॉट एज व्हाट इट यूज्ड टू बी लाइक 20 इयर्स अगो। एब्सोल्युटली जमाना बदल गया है, लोग शादी करने से डर रहे हैं आजकल, लोग शादी करने के बाद डर रहे हैं आजकल, तो वो तो हमेशा से ये सारे यू नो लव जिहाद है, बाकी और टॉपिक्स है जो हम अभी उनका उसका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा मैसेज जो इशिता ने मेंशन किया, बहुत ही फन लविंग वे में, बहुत ही दोस्ती यारी वे में, हम चारों के बीच में जो कहानी और अनीता मैम और दलिता इन सभी फिल्म में है, तो इट्स अ फन लॉट, बहुत ही अच्छा क्रू है हम लोगों का, बहुत ही ज़्यादा ब्रदर्स हम लोगों ने बना दिए फिल्म में, लाइक वो इस उनको बहुत बुलिंग किया हमने, तो एक ब्रो कोड जैसी चीज़ है जो कभी फिसल सकती है। Also, yeah, I would like to mention, bro code se apne bola, if there's romance in the film, it's only between these two. So it's a bromance. So this is the offset I'm telling you. We didn't see a scene jahan pe aisa aap t-shirt bhi utar ke dete hain. Kitne tere t-shirt? Fekte hain. Hum log real life ki tarah breakup patcha aur. Log bahut kuch soch rahe hain ki t-shirt nikal ke fek diya hai kya? Real life mein hamara breakup kabhi nahi hua hai. Breakup inka to nahi hua. दोनों करवा दे लेकिन इन दोनों का नहीं होगा। Siddhanth, I also have to congratulate you for the choice of movie that you've made. We are going to see you in a completely different kind of a role in Avatar. मैंने कभी ऐसी फिल्म की भी नहीं और कभी सोचा भी नहीं था मैं करूँगा, but बहुत मजा आया, बहुत ही ज़्यादा मजा आया। It's a change for sure. Like a vacation, especially for me because I had a lot of pops and I could just go around and explore the places. Thank you for choosing my location. और हमारी हीरोइन दोनों एक एक्चुअली आप भी चिल थोड़ी थी, हम दोनों तो रोज यार वहाँ पे रोज शाम को जोड़ के बट नो विल बी हैविंग टुगेदर टुगेदर। I used to tell them all the fun I had during the day and they used to be all jealous. Oh my god. But did you guys like also then party at night and like chill and get together? 4 baje unke kaun party karega yaar. I think so. Yeah. We have an off. We cannot go and party because of early morning call. But it went like an absolute breeze. हमें पता नहीं चला हम काम कर रहे हैं। जब हम लोगों ने फिल्म सीन्स देखे थोड़े बहुत कुछ रशेस देखे। बहुत ज़्यादा काम हुआ है वो एक महीने में और बड़े बड़े डायलॉग और लंबे लंबे और मोनोलॉग टाइप का। हमें तो मतलब छुट्टी मुझे काम में बोलता सिर्फ फिल्म की तारीफ करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। मुझे लगा मैं कोर्ट में खड़ा हूँ, मैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। पहली बार जिंदगी में बेटे की फिल्म रिलीज है और बाप आया है और बाप नर्वस हो रहा है। नहीं मैं एक्चुअली तो दोनों मेरे बेटे हैं, मैं तो छोटे छोटे किस्से सुना रहा था प्रतीक को भी,
जब ये पैदा भी हुआ था मैं अस्पताल गया था इनकी मम्मी को मिलने, और फिर ये पैदा हुआ ब्रीड करने में, फिर एक सितारा धरती पे जन्मा जिसका नाम है प्रतीक। और सेम हॉस्पिटल में मेरा बेटा पैदा हुआ, यानी कि मेरे दोनों बेटे मंच में खड़े। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और थैंक यू, बस इतना ही, और कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज और बोलूंगा, मैंने गलती से फिल्म देखी है, पूरी फिल्म देखी है, चुपके से जाके ऑफिस में देखी है, और आज मेरी बेटी मुझे बोलेगी कि मेरे फंक्शन में तो आप कभी आए नहीं, बेटे के फंक्शन में चले गए। मैंने कहा भैया बेटे की ये फिल्म है जो इंडस्ट्री के अंदर हंगामा करेगी, क्योंकि बहुत बढ़िया फिल्म है, दोनों ने बहुत, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड आई वॉज रियली मूव्ड इमोशनली इन दिस फिल्म। दोस्ती क्या होती है, वो जज्बा क्या होता है, डायरेक्टर साहब का काम बहुत अच्छा है। आई लव यू डायरेक्टर, अगली फिल्म में तो कुछ दे देना हमको। और प्रोड्यूसर साहब का दिल बहुत बड़ा है, तो बहुत अच्छा खर्चा किया है। और डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, इन्होंने बोला कि मैं हिंदुस्तान में जितने थिएटर है। थैंक यू सो मच सर।